हेलो हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम तंवर। मैं आपका अपने चैनल में नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम के बजे हैं 4:30 और दिन है आज मंगलवार, और 4:30 बजे हैं। चाय वगैरह भी नहीं हुई है क्योंकि मुझे करने हैं गेहूँ साफ। वैसे तो हम गेहूँ का आटा गेहूँ धुलकर ही पिसवाते हैं, लेकिन कितने दिन से लगातार बरसात हो रही है उसकी वजह से गेहूं सूख नहीं पाएंगे, और आज गेहूं ऐसे ही साफ करने पड़ेंगे मुझे। और दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ गेहूं साफ। आज तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है वैसे तो, लेकिन एक दिन की धूप से या 2-4 घंटे की धूप से गेहूं नहीं सूख पाते हैं, इसलिए गेहूं को छलने और छाछ से करूंगी साफ। तो गेहूं मैं लेकर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बाहर धूप है तो धूप लगेगी, और किचन में ही गेहूं को डाल लिया है मैंने, ये पल्ली बिछा कर छाछ और छलना ले लिया है। और कर लेती हूँ अभी गेहूं साफ, उसके बाद करेंगे और काम। तो आप वीडियो में बने रहें। जो लोग वीडियो में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ये ले लिया है बैग, कट्टा होता है प्लास्टिक वाला, इसी में आटा पिसवा कर लाते हैं। और इसके अंदर एक पोलोथिन लगा के रखी हुई है मैंने बड़ी वाली, उसके अंदर ही मैं गेहूं भर देती हूं। और हमारी नानी, ताई, चाची, मम्मी वगैरह, सासू माँ सब ऐसे ही गेहूं साफ करती थी, पहले छाछ से जो सूप बोलते हैं उससे फटक कर, और यह है छलना। पहले इसको फटक कर साफ कर लूँगी और उसके बाद छलने से छानती रहूँगी, जिससे कोई बारीक होगा कुछ तो वो भी निकल जाएगा। और इनको बीच बीच में बीन कर बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। तो इस तरीके से ही पहले छाछ से साफ़ करूंगी और बीन लूंगी, और उसके बाद छलने से निकाल कर गेहूं को बिल्कुल साफ़ कर दूंगी। और आप देख सकते हैं कट्टे के अंदर मैंने पन्नी लपेट कर लगाई हुई है, और इस तरीके से ही कर लेती हूँ गेहूँ साफ़। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने गेहूं को बिल्कुल क्लीन कर दिया है, छोटा मोटा जो कूड़ा था सबको बीन कर। और यहाँ पर गेहूं पूरे मेरे साफ हो गए हैं, और जो ये कूड़ा है वो बचा है ज़मीन पर। और गेहूं को साफ करके मैंने कट्टे में भर दिया है, और अभी पल्ली वगैरह को भी साफ कर देती हूँ। जो बचे हैं गेहूँ उनको भी फटक कर, जो पक्षी वगैरह होते हैं उनको डालूँगी, छोटे मोटे पकड़े के गेहूँ बचे हुए हैं पल्ली के साथ।
तो फ्रेंड्स गेहूं तो चले गए हैं पिसने के लिए और 5 बज चुके हैं। अभी लगा देती हूँ झाड़ू शाम की, क्योंकि जिस तरह से सुबह की झाड़ू लगाई जाती है ऐसे ही शाम की झाड़ू भी हम लगाते हैं। तो अब लगा लेती हूँ झाड़ू। और ये कुछ गंदे से गेहूं बच गए हैं, इनको बाहर जाके साफ करके जानवरों को डाल दूंगी। तो पहले लगा देती हूँ झाड़ू। फ्रेंड्स गेहूं तो चले गए हैं पिसने के लिए चाठी पर और मैंने शाम की झाड़ू भी लगा दी है और आज हो गई हूँ लेट, 5 बज चुके हैं। तो अभी बना लेती हूँ चाय अपने लिए, बच्चे तो नहीं पीते हैं, अपने लिए बना लेती हूँ पहले चाय, उसके बाद करेंगे और काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 1 कप दूध ले लिया है भगोने से, तो यहाँ से ये पलटने में नहीं आ रहा था क्योंकि वेट होता है भगोने में, तो यहाँ पर रख के मैं इसमें 1 कप दूध ले लूँगी और लगभग आधा कप पानी डालूंगी क्योंकि मुझे 1 कप ही चाय बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 घूंट दूध और डाल लिया है क्योंकि बेटे को रखा है नज़ला, इसलिए 1.5 कप चाय बनाऊंगी, वो भी 2 घूंट चाय पी लेगा तो गला खुलासा हो जाएगा। अभी यहाँ पर ले लेती हूँ आधा कप पानी। तो मैंने दूध में पानी को डाल दिया है और ये है तुलसी के पत्ते, वो भी डाल दिए हैं और छोटा सा अदरक का टुकड़ा क्रश कर दिया है। अभी डाल देती हूँ पत्ती और चीनी यहाँ पर, और चाय को मैं 2 से 3 मिनट तक बॉईल करती रहूँगी जिससे चाय अच्छी बनती है। और चीनी के डब्बे में होगी चीनी ख़त्म, तो इसमें साथ के साथ चीनी भर दूँगी क्योंकि फिर बाद में कोई काम आएगा तो फटाफट से फिर भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टाइम भी है, इतनी चाय भरनी है, मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है डब्बे में। और इधर चाय में बॉयल तो आ चुका है लेकिन मैं 2 मिनट तक और उबाल लूँगी जिससे चाय का स्वाद बढ़ जाता है और पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर 2 मिनट तक मैंने चाय को बॉईल कर लिया है। अभी ले लूँगी कप क्योंकि मेरा कप अलग है सबसे, तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिए हैं। 1 कप को पूरा फिल कर लूँगी अपने वाले को और आधा कप कर दूँगी बेटे के लिए। तो यहाँ पर चाय को भी मैंने छान लिया है और अभी पी लेते हैं चाय।
यहाँ पर मैंने चाय भी पी ली है और बैठ गई हूँ मशीन को लेकर, क्योंकि छोटा मोटा कुछ काम होता है तो करती रहती हूँ। तो यहाँ पर एक मास्क लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कॉटन कपड़ा है तो एक्स्ट्रा मास्क ठीक रहती है। आज तक कॉटन का कपड़ा पड़ा हुआ था मेरे पास, उसका मैंने ये मास्क बना दिया है। ये इसी तरीके का सिंपल मास्क ही लगाते हैं, क्योंकि रबड़ वाले मास्क खराब हो जाते हैं। चलते हैं किचन में, कर लेते हैं डिनर की तैयारी। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ किचन में और डिनर में बनाने वाली हूँ चावल आलू वाली खिचड़ी, जो पीली चावलों की खिचड़ी होती है तहरी, वो बनाने वाली हूँ। उसकी तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पर ये मैंने 2.5 गिलास चावल को भिगो कर रख दिया है। ये बासमती सैला चावल है और ये गिलास है। तो 2.5 गिलास चावलों को वॉश करके पानी में भिगो कर रख दिया है। 2 बड़े आलू काट लिए हैं, थोड़ी सोयाबीन की बरी, 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची और मटर को मैंने काट के रख लिया है और पानी रख दिया है बॉयल करने के लिए, जिससे खिचड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। इधर रख दिया है गैस पर कुकर, उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि सरसों के तेल में ही खिचड़ी बनाऊंगी। तेल जब बहुत अच्छे से पक चुका है तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालती हूँ खिचड़ी में, क्योंकि अच्छा लगता है। उसके बाद हींग और थोड़ा सा लहसुन, तहरी में बहुत कम लहसुन डालती हूँ मैं, तो थोड़ा ही लहसुन डाला है। उसके बाद 2 बड़े प्याज कट किए थे और प्याज को मैं ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर तक होने तक नहीं करूँगी। थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर हो गया है प्याज का और प्याज सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद 2 बड़े टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची मैंने कट की थी, उनको भी ऐड कर दिया है। उनको मसाले में और तेल के साथ अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। नॉर्मली मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, क्योंकि खिचड़ी ज़्यादा तीखी तो नहीं खाई जाती है, इसलिए मैंने मिर्ची बहुत हल्की सी डाली है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, मैं ये सोयाबीन की बड़ियाँ को फ्राई करना भूल गई थी। यहाँ पर मैंने टमाटर और मसाले के साथ ही इनको 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है, जिससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर, प्याज, मसाले और बरी सब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको फ्राई करने में मैंने 3-4 मिनट लगा दिए हैं। अभी जो मटर है, ये सफल मटर है, मैंने इसको गलाकर रख दिया था, उसको भी 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। उसके बाद आलू ऐड कर दिए हैं, आलू को भी फ्राई करूँगी। इन सारे प्रोसीजर में लगभग 7-8 मिनट लग चुके हैं। अभी डाल दिया है नमक, नमक से सारी सब्ज़ियाँ जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं। अभी 2 मिनट तक नमक के साथ मैंने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अभी जो चावलों को मैंने गला कर रखा हुआ था, उनको भी इसी में ऐड कर दूंगी। तो ये सैला बासमती चावल हैं, जिनका स्वाद बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर मसाले के साथ, सारी सब्जियों के साथ मैंने चावलों को भी 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास चावल लिए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग सैला चावल में 2 गुना पानी लगता है। तो यहाँ पर मैं 5 गिलास पानी डाल दूंगी और बहुत अच्छे हमारी खिली खिली सॉफ्टी सी खिचड़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। वैसे सैला चावल से खिचड़ी खिली हुई ही बनती है। तो और यहाँ पर मैंने 2 गुना पानी डाला है, 5 गिलास, और 2 विसल आने तक पका लिया है। और ये कुछ थोड़ा सा सामान आया है मार्केट से, ये बास्केट मुझे बहुत सुंदर दिख रही थी और आटा भी पिस कर आ गया है, जो गेहूँ मैंने साफ की थी, बन चुकी है, 2 विसल आनी थी इसमें। और ये थोड़ा सा सामान आया है मार्केट से खिचड़ी खाने के लिए। यहाँ पर ये है दही, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला लिया है और हो रहा है ये खाने का। प्लेट कर ली है तैयार खिचड़ी, अभी इसमें गैस है इस वजह से, तो इसका वेट कर रहे हैं और खाने की तैयारी बिल्कुल फिट है। अचार भी ले रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुकर खोल लिया है और उसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी, क्योंकि खिचड़ी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है देसी घी डालने से। और इसको मैं चला दूंगी, क्योंकि ये घी सारे में मिक्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली बनी है, लेकिन चावल पूरी तरह से पक चुके हैं। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी को पहले घी मिक्स कर दूंगी और सब लोगों के लिए प्लेटों में गाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, सब लोगों के लिए मैंने खिचड़ी डाल दी है। खिचड़ी बहुत ही खिली खिली बनी है और चावल अच्छे से पक भी चुके हैं।
तो यहाँ पर दही और अचार के साथ खा लेते हैं खिचड़ी। फ्रेंड्स अभी डिनर भी हो चुका है और खिचड़ी सबको बहुत ही पसंद आई थी, और इतने मतलब कुकर में गैस थी उससे पहले ही मैंने किचन को साफ कर दिया था, बर्तन भी सारे क्लीन कर दिए थे और अभी बस खाने की प्लेट्स वगैरह हैं वही बची हैं, अभी ये भी साफ कर देती हूँ और उसके बाद जाऊंगी बाहर घूमने के लिए। यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।